कर्म के तीन भाग होते हैं, तीन प्रकार होते हैं कर्म के। पहला हमारे संचित कर्म, अर्थात जो हम कर रहे हैं, क्रियमाण, क्रियमाण बोलते हैं जो हम कर रहे हैं वर्तमान में। दूसरा संचित जो हमारे एकत्र हैं, और तीसरा प्रारब्ध जो मिलना बाकी है और जिनका फल अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, संचित कर्म कहलाते हैं। लोग कहते हैं मेरी किस्मत में ऐसा, मेरे भाग्य में ऐसा, मेरे भाग्य में ऐसा, मेरी किस्मत में का ना भाग्य कुछ है ना किस्मत कुछ है तब तक जब तक कर्म नहीं है। मेरा भाग्य मेरे कर्म से निर्धारित होगा, मैं जैसा कर्म करूंगा मेरा भाग्य वो बनेगा। भाग्य परिणाम है जिसको आप भाग्य कहते हैं, किस्मत परिणाम है जिसको आप कहते हैं। बेसिकली दीज ऑल, ये सारी चीजें आपके और हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करती हैं। आज अगर मैं अपने घर में आम का पेड़ लगाऊं और कुछ वर्षों के बाद जब उसमें फल आएंगे तो मेरे भाग्य में वो आम मेरी प्राप्ति, मेरे आनंद के लिए लिखे होंगे और मुझे प्राप्त होंगे, क्योंकि मैंने मेरा बहुत पहले कर्म कर लिया था। जब मैंने कर्म ही नहीं किया तो कैसे होगा? आपने एक रेकरिंग अकाउंट खोला बैंक में, आपने रोज 10 रुपये उसमें जमा किए, 20 साल बाद वो लाखों रुपए बन गए। उस समय आपने कहा आहा किस्मत खुल गई, मजा आ गया, इतना सारा पैसा मिल गया, लेकिन आपने कर्म किया था। अगर आप कर्म ही नहीं करते तो आपको कैसे प्राप्त होता? अब आप कहेंगे कई बार लोग कर्म नहीं करते लेकिन उनकी लॉटरी लग जाती है, खुदा हुआ धन मिल जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं। क्षमा कीजिएगा, इसमें भी कर्म तो किया गया। आप जैसे मैंने एक रेकरिंग अकाउंट खोला, आपकी भाषा में समझा रहा हूं, मैंने 100 रुपये प्रतिदिन जमा करे और 20 साल में उसकी मैच्योरिटी होनी है, लेकिन मैं 20 साल न जीकर 19 साल में मर गया। आने वाले अगले 20 सालों में मैच्योरिटी होनी थी, 19 साल में मर गया। कंडीशन यह है कि फिर भी आपको वो चीज मिलेगी जो आपकी थी, सो इस बार नहीं मिलेगी, डेफिनेटली अगला जन्म होगा, लेकिन वो जो आपका अकाउंट है वो आपका अकाउंट आपको मिलेगा जरूर। आपके भाग्य का आपको किसी भी रूप में मिलेगा जरूर। जैसे आज मैंने बताया, कोई व्यक्ति किसी का धन खा लेता है, किसी का धन हड़प लेता है, तो उसके अगला जीवन उसका दास के रूप में होता है। जिसका भी खाया होगा उसका दास बनेगा, वो उसको किसी भी रूप में सेवा देगा, पैसा देगा, देता रहेगा, करता रहेगा। ये नियम है साहब प्रकृति का, हम इसको कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। तो जो आपका भाग्य या आपकी किस्मत है वो आपका कर्म है। बेसिकली आपका कर्म ही किस्मत और भाग्य बनता है। धन्यवाद।